जूते काट लेना अभी। डीएल नंबर है दिल्ली के उसका। दोस्तों आप देख रहे हैं K9 मीडिया और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं नंबर वन हरियाणा की नंबर वन तस्वीर। इस तस्वीर को देख के आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि सरकार को हो रहा है अच्छा महसूस तो जनता को भी होना चाहिए, क्योंकि आवाज उठाने वाले भी बहुत कम बचे हैं। तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं गोहाना के खानपुर रोड की, जहाँ पे इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। और आपको बता दें ये उत्तर भारत की महिलाओं की सबसे बड़ी और पहली संस्था है, और यहाँ पे आने जाने के लिए आप देखिए इस तरह से हर रोज यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। अभी एक ये गाड़ी फंस गई थी, इस गाड़ी को अभी निकाला गया है। और भी यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं और ना जाने कितनी गाड़ियों के एक्सल टूटते हैं, सस्पेंशन खराब होते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है PGI यानी के पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मेडिकल सरकारी भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे एम्बुलेंस, पता नहीं कितनी एम्बुलेंस, अभी खबर बनाते बनाते भी शायद बहुत सारी एम्बुलेंस यहाँ से आ जाएंगी। हालात इस रोड के ऐसे हैं, अगर किसी के हाथ पैर टूटे हैं और उसको पट्टी बांध के रोका गया है तो वो उसके हाथ पैर बिल्कुल अलग हो सकते हैं, क्योंकि गड्ढे इतने हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ ही बीमार हो जाती हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं आनंद मलिक हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं और दुकानदार भी हैं, और इतना बुरा हाल है यहाँ पे, जाम भी लगता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि सिंगल रोड है, कोई भी यहाँ पे चारा नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हमेशा यहाँ पे खड़े रहते हैं और अक्सर धक्का लगाना पड़ता है, समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। जितनी गाड़ी आ रही है ये नहीं पता कौन सी गाड़ी कब धस जाए, हर बार रोक के ये बताना पड़ता है कि आप थोड़ी देर रुको और जब यहाँ पे आपको क्रॉस होने दिया जाएगा। ना ही किसी सरकारी एजेंसी का, ना ही प्रशासन का, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैं चाहूँगा विशाल वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए, ये देखिए हर घर तिरंगा यात्रा के फोटो लगे हुए हैं। हमें नाज होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर इन समस्याओं पर नाज ये किस तरह से संभव होगा समझ नहीं आता। ये देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, लेकिन समस्या बहुत विकराल है। अब इन लोगों को जनरेटर यहाँ से लेके जाना है और इनके पसीने छूटे हुए हैं कि कैसे निकले यहाँ से, क्योंकि गड्ढे पानी में हैं, पानी में गड्ढे, और सड़क का तो पता ही नहीं, सड़क कहाँ है, सड़क का नहीं पता कहाँ पे है। आनंद जी एक मिनट आ जाओ, ध्यान से कदे याड़े भी खड्डा हो और पड़ जाओ। ये देखो कितने खड्डे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये वो रास्ता है जहाँ पे मरीज आते हैं, ना जाने कितनी एम्बुलेंस आती, सैकड़ों एम्बुलेंस आती होंगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर भारत की ऐसी शिक्षण संस्था है महिलाओं के लिए, पहली और बड़ी, सरकार ने बड़े चाव से ये दो संस्था आपके गांव में बनाई थी इस गांव के विकास के लिए, लेकिन ये रोड क्या कह रहे हैं, ये रोड तो बहुत ही खराब हो चुका है, और एम्बुलेंस आने जाने का तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। और जैसे स्टूडेंट है अपनी बाइक स्कूटी से गाड़ी से आते हैं, लड़कियां आती हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ आते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। ये कितने दिन से समस्या है, ये कम से कम एक साल से समस्या है हमारे यहाँ में, एक साल से समस्या हमारे गांव में। हमारे गांव की शिवर व्यवस्था नहीं है, और मैं आने तो उसमें ले रखा रूप तहसील बना दिया खानपुर, इसमें तो शिवर लाइट बिजली सारी सुविधा होनी चाहिए थी। उप तहसील तो बना दिया मगर सुविधा नहीं है, 1% भी सुविधा नहीं है, आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, गांव से भी नहीं है और शहर से भी नहीं है। गांव खानपुर कला का एक तो चारों तरफ से बाईपास क्रॉस चाहिए, और इस रोड के बजाय एक गांव से उधर से गुजर करता हुआ बाईपास मेन जरूरी है, जो हमारे गांव के लिए मेन विकास का कार्य बन सकता है। और इस रोड की भी जल्द बहुत बुरा हाल है। प्रदीप लठवाल जी हैं, प्रदीप जी ये नंबर वन हरियाणा की तस्वीर है, आप भी पेंट संगवा का आज इसमें बढ़ रहे हो। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, सरकार वहाँ राजभवन में मना रही है, हम यहाँ सच्चाई में मना रहे हैं। ये आज़ादी के
75वें महोत्सव का हाल है। मोदी सरकार कहती है भाई मुफ्त की रेवड़ियाँ, इस रोड को बनाने वाले को जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई है, हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि भाई वो जो मुफ्त की रेवड़ी आपने बांटी थी, कितना शानदार रोड बनाया है, उस मुफ्त की रेवड़ी वाले व्यक्ति को पूछा जाए कि भाई ये रोड कित गया। यहाँ पर एम्बुलेंस आती है, ये आप देख रहे हो स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों की कितनी जिंदगी है जो खतरे में है। यहाँ आपने देखा अभी गाड़ी फंस चुकी थी। सरकार बिल्कुल हर क्षेत्र पर फेल है। ये तो बिल्कुल देखो थोड़ी ये गिरेंगे भाई, ध्यान से, बहुत बुरा हाल है। ये तो भाई साहब थोड़ी बारिश में है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो ये पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ PGI है, एमरजेंसी का रास्ता है। अब अगर एम्बुलेंस को यहाँ 20 मिनट तक खड़ा होना पड़ गया तो 20 मिनट के अंदर उसकी जान को कितना खतरा है। प्रशासन बिल्कुल नदारद है, यहाँ पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एमरजेंसी व्यवस्था जो प्रशासन ने करनी चाहिए, पानी तुरंत निकालना चाहिए और ये खड्डे भरने चाहिए। यह रोड हम डिमांड करते हैं कि शाम बहुत, तक बहुत बहुत बुरा हाल है। सतीश जी भी यहाँ पे हैं। सतीश जी आपका तो पेट्रोल पंप भी है, स्कूल भी है, मील भी है, और कहीं ना कहीं आप तो सरकार के शुभ चिंतक भी रहे हो, इस चीज़ को देख के चिंता नहीं होती? बिल्कुल अरुण, चिंता है इसमें। मैं उसी के बारे में जानकारी ले रहा था अभी, जो मेरी बात चल रही थी। कई दिनों से पिछले साल भी ये समस्या थी, पिछले साल इसमें 4 इंची 5 इंची पाइप दबाए गए थे, जिस पाइप से हो क्या रहा है अरुण, गाँव में जो विकास कार्य चल रहे थे वो विकास कार्य कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की वजह से या दूसरे एक कहूँ तो मैं रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से वो विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। उसकी वजह से जो पानी निकासी था जो गांव का वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी लगभग आधे गांव का पानी यहाँ पे एक जोड़ जो पीछे जोड़ है हमारे इसमें इकट्ठा होता है, तो उस जोड़ का पानी इस रोड पे, वो जोड़ इतना ओवरफ्लो हो गया है कि वो यहाँ पर आ गया है। अब जोड़ से निकासी के लिए जो सरकार ने किया 5 इंच का एक पाइपलाइन, यहाँ से सिर्फ 300 मीटर पर ड्रेनेज है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, 300 मीटर पर ड्रेनेज है। एक चीज बताओ, उप तहसील का एहसास होता है आपको यहाँ? उप तहसील तो सर भूल जाइए, उप तहसील का एहसास तो नाम मात्र का भी नहीं है। मैं तो शर्मिंदा हूँ कि ये रोड PGI पे जा रहा है। इस रोड से हम PGI की तरफ रुख करते हैं तो इस रोड से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। गाड़ियों के एक्सल तो टूट ही रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां इसकी वजह से हैं, बीमारियां फैलने का है। जब रोड पे इतना पानी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं गांव के अंदर का क्या हाल होगा जब रोड पे इतना पानी है। पूरी धूप खिली हुई है और ये देखिए पूरे ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी? मेरा यशपाल नाम भाई साहब। यशपाल, या कितने दिन तक समस्या? ये साल भर से जी, पिछले साल भी ऐसा ही हाल था इसमें, और इसका विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, कोई समाधान नहीं। प्रशासन से BDO से SDM से और ये भी SDO या इरीगेशन वाली SDO भी अभी अभी गई है देखने, वो कोई समाधान नहीं इसका। मतलब कति बेशरम होली सरकार, बेशरम कति बेशरम सरकार, मतलब कोई नू नहीं भाई, कोई कहने लग रहा है एक साल हो गया। और ये तो जगह इसी है तारी PGI की है, PGI है, यूनिवर्सिटी है। सवेरे 9 बजे प्रशासन आने का देखो यहाँ कितना बुरा हाल होता है, क्यों लेडीज आती है। कल सवेरे सवेरे एक लेडीज का हाथ फट गया इस खड्डे में गिर के, चोट लगी उसका है, स्कूटी वो स्कूटी ले रही थी, मुद्दी मर गई खड्डे में पड़कर ने। और बताओ क्या हाल, बुरा हाल है। साल भर से हो लिया, जो पूरा एक साल हो गया, हमने सारे एक जगह जागा ये कहा है प्रशासन जी ने करा दो, इस पूरे गांव की निकासी कहीं नहीं है, निकासी नहीं है। तो उप तहसील बनाई थी ना, सीवर पीछे हटा तो ना, यहाँ को सीवर, वो सीवर भी पूरे नहीं हो रहे हैं, सीवर लाइन दबन लाग रही है, वो सीवर लाइन अधूरी पड़ी है, कोई समाज कई साल 3 साल हो गए उसको दबते दबते, कोई चालू नहीं हो लिया अभी तक। आपका क्या नाम है? चतर सिंह। चतर सिंह जी, ये समस्या आप देख रहे हो, रोना तो आता होगा? बिल्कुल सर, इतना रोना होगा कि पूछो मत ना। अब ये भाई साहब भी कह रहे हैं, सतीश भी बता रहे हैं, ये सारे छाने हैं, सारे ठीक हो गए। ये कहना है सरकार को इस मामले में? सरकार से कहना, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते सरकार से, पांव पकड़वा लो हमारे प्रश्न का समाधान, निकासी कर दो। यहाँ लेडीज इतनी पड़ती हैं, इतनी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, एम्बुलेंस यहाँ आती हैं, ये कहते हैं एम्बुलेंस को रास्ता ऊँ था, वो हूँ उटर बजाते हैं साइड दो, यहाँ फंस जाती है, क्या घंटा फंसी रहती है एम्बुलेंस, बताओ। इस तो फालतू को कह नहीं सकता, हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, सरकार समस्या का समाधान कर दो, थोड़ी भी शर्म बची हो तो समाधान दो। हाँ, और जो प्रोग्राम कहते हैं तो खट्टर साहब ने गांव में भी बुला लेंगे, अगर खट्टर साहब यहाँ गांव में आएंगे इसका काम ने ठीक करता उधर। क्या बहुत बड़ी बात है, क्या कह रहे दस्ती जी, बात आधी रहेगी थी, बात अधूरी रह गई थी। देखिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, पाइपलाइन बिछा रखी है, ट्यूबवेल लगा रखा है,
पर जो उसको प्रोसेस जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाला जो अमलीजामा सरकार का है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। जनरेटर अफसर तो ग्रांट दे दिया, पैसा भेज दिया, जिसने इम्प्लीमेंटेशन, जिस आदमी ने ट्यूबवेल चलाना था वो ट्यूबवेल बंद पड़ा है। अब कोई पूछने वाला उससे चाहिए कि सरकार में जो हिस्सेदारी है, मैं तो SDM साहब को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उनके माध्यम से, वो अच्छे आदमी हैं, कि वो अपने मातहत जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पे उनकी पैमाइश कराए ना अच्छे से, कि जो आदमी यहाँ पे जिसकी ड्यूटी है, जिसको ट्यूबवेल चलाना था, ये पानी निकासी के लिए ट्यूबवेल लगा हुआ है पीछे आप देख सकते हैं, पर उस पर ट्यूबवेल पर लाइट नहीं है। लाइट नहीं तो भी सरकार का है कि वहाँ पे डीजल बेच के जनसेट उपलब्ध कराए, इंजन उपलब्ध कराए, ये भी प्रावधान है, पर वो उनको बताए तो जाके, वो समस्या वही है कि वो मतलब राजनीति के चक्रों में उलझे पड़े हैं, वो या तो उनको ऐसा लग रहा है कि BJP सरकार को बदनाम करना है, भाई जितना रोड को तोड़ा जा सके तोड़ के सरकार को बदनाम करो इसलिए, पर ऐसा भी कर रहे हैं तब भी उसमें जनता का क्या कसूर है? जनता को सरकार परेशान क्यों कर रहे हैं? सरकार ने बदनाम कौन करे, सरकार ठीक करा दे, बदनाम हो कौन है? भाई साहब ये ट्यूबवेल अब मैंने चालू किया है, पानी गाल गए इतने खड्डे में पानी, सफाई कर रहा है, क्यों चाल कर देखो जो ट्यूबवेल के पास है, हैं वाल बदली इसकी, 1000 रुपये देगा, मैंने सफाई करा रखी है इसकी भाई, पर लेकिन प्रशासन की आंख नहीं खुल रही भाई साहब, हम पर प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अग भाई इसको ठीक करो, निकासी कर दो हमारी, पानी निकाल दो, कोई समाधान नहीं इसका। हैप्पी कितनी देर से खड़े हो, गाड़ियां निकलवा रहे हो यहाँ पे? अरुण भाई आपने देखा अभी भी गाड़ी खड्डे में फंस चुकी है, सामने थोड़ी सी दूरी पर PGI है, यहाँ 4 लाइन का रोड होना चाहिए, ये इतने इतने पैर तक गोड्डे जितने इसमें खड्डे हैं, 3 साल हमारा 5 साल तो हमारा कंटिन्यू MLA बनने ला रहा जगबीर मलिक, 2 साल तक भाजपा सरकार रही, उन्हें वाह भाई तो लुटन ला रही है, खानपुर PGI की, स्कूल की, हॉस्पिटल PGI की, या भी भाई कौन दो, दो, दो प्लान हो चुके हैं सरकार को, और आप देख सकते हैं हालात देख सकते हैं, निकलने से पहले खतरा हो जाता है कि हम यहाँ से सेफ निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, और लठवाड़ साहब किस तरह से ग्रामीण जो है, इतनी रिक्वेस्ट तो मेरी ख्याल में को भगवान तभी कर दे वो भी धरती पे उतरे हुआ है। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा भाई साहब, कहीं पर भी जमीनी स्तर पर प्रशासन है ही नहीं। अब आप ये बताओ, यहाँ इन्होंने बताया विधानसभा में भी मुद्दा उठ चुका है, भाई साहब ने जैसे बताया कि ट्यूबवेल है, जेनसेट है, पाइपलाइन है, मतलब इस सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार क्या कर रही है, आराम से राजभवन में बैठ के मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही है, अपने ठेकेदारों को दे रही है, ठेकेदार क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे से क्या हो रहा है, MLA खरीदे जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों के MLA खरीद कर स्टेट में सरकार बनाने में मस्त है। इसके अलावा धरातल पर आप देख चुके हैं आम जनता कैसे दुखी है, अब जो आदमी बाहर से आया उसको ना तो ये पता कहाँ रोड कितना गहरा है, नहीं गहरा है, खड्डा है, कैसे है, अब आपने देखा गाड़ियाँ कैसे रुक रही हैं 2-3 मिनट से, आप यहाँ एक गाड़ी फंस भी, बहुत बहुत बुरा हाल है, और ग्रामीणों ने जो है वो हाथ जोड़ लिए और कह दिया हम तो पैर भी पकड़ लेंगे, खट्टर साहब को गांव में बुला के सम्मानित कर देंगे, इस रोड का समाधान करा दो, इस समस्या का समाधान करा दो, हर रोज हादसे हो रहे हैं, हर रोज लोगों की टांग टूट रही है, हाथ टूट रहे हैं, गाड़ियां टूट रही हैं, यहाँ पता नहीं कितना नुकसान हो चुका है, और सरकार इंतजार किस चीज़ का कर रही है समझ नहीं आ रहा। जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वो घोषणा, वो प्लानिंग कोई भी पूरी नहीं होती, तो देखते इस समस्या का समाधान कब तक होता है, क्या सरकार की कानों पे थोड़ी भी जू रेंगती है, क्या सरकार को थोड़ी भी आम लोगों की चिंता है? मैं कहता हूँ बड़े बड़े ऐसी कमरों में से निकलें और एक बार इस समस्या की तरफ भी ध्यान दें। मेरे सहयोगी विशाल के साथ खानपुर कला से अरुण कुमार। ये देखो जरा कितने दिन से समस्या यहाँ पे, एम्बुलेंस भी कैसे जा रही है यहाँ है,